गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम यू ऑल स्टूडेंट इन आवर एसेंट ऑनलाइन क्लास। आज की हमारी क्लास है क्लास नर्सरी टू प्रेप के लिए, और आज का हमारा सब्जेक्ट है मैथ्स। तो 1-2 की कॉपी निकालो। तो उससे पहले अपन क्या करेंगे, ओरल करेंगे अपने ऑल इन वन रीडिंग बुक से, है ना। तो ओरल स्टार्ट करते हैं। बोलिए बच्चों, स्टार्ट करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। कितनी आइसक्रीम है यहाँ पे? 10, है ना। तो आपको 10 नंबर लिखने हैं, और इसके अलावा है जो आपको बोलने जरूर है, है ना। जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं। तो एक बार वापिस अपन 1-2 वाली पॉइंट बोलते हैं। 1-2 बकल माइसु, 3-4 शट द डोर, 5-6 पिकअप द स्टिक्स, 7-8 दे लैम्प स्ट्रेट, 9-10 अ बिग फैट हैन। तो देखो इसके अकॉर्डिंग ही बनाई है ये वाली पोएम। जब तो आपको 1-10 है जो काउंटिंग बराबर समझ में आ गई होगी, और लिखना भी आप सीख रहे हो, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जिसको किसी कोई नेटवर्क की या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप सर से आके बात कर लो, ठीक है बच्चों। तो अब अपन किस में करेंगे, नोटबुक में। तो नोटबुक में पिछली क्लास में अपन ने क्या किया था, पिछली क्लास में अपन ने 8 किया था, तो आज अपन उसका दोहरान कार्य करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि 8 कैसे लिखते हैं। 8 में सिर्फ कितने गोले होते हैं, 2। ये सबसे इजी ट्रिक है, बाकी कोई ट्रिक मत अपनाओ। सिर्फ आप ऐसे गोले बना दो, 2 तो ये 8 बन जाएगा, है ना। ये ऐसे ऐसे चिपका के इसके गोले बनाने हैं, ठीक है बच्चों। तो ये पिछली क्लास का होमवर्क है जो मैं आपको अभी करवा रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है काफी बच्चों ने काम किया नहीं है, तो वो इसको देख दे के एक बार वापिस कर लेंगे, है ना। तो आज हम क्या लिख रहे हैं, EIGHT 8, क्या लिख रहे हैं, 8 EIGHT। ये देखो ये गलत हो गया ना। तो अब गलत होने पर किसका यूज लेते हैं, इरेजर का। किसका लेते हैं, इरेजर। ये रहा इरेजर। देखो आप बच्चों ऐसे मत बनाना, क्योंकि ये 8 नहीं होता है, ये तो 2 गोले हो गए हैं। 8 बनाने का सही तरीका ये है कि एक गोला करो, उसके जस्ट चिपक के नीचे दूसरा गोला करो तो 8 बनेगा, नहीं तो फिर 2 गोले बन जाएंगे। उन 2 गोलों का कोई महत्व नहीं होता है, इसलिए आप लोगों को दोनों गोलों में ऐसे दूरी नहीं रखनी है। एक दूसरा वाला गोला उसके अंदर से ही ऐसे चिपक कर निकलता है। तो बच्चों आज आपको होमवर्क करना है 8 का। किसका करना है, 8 का, 8 ऐसे, है ना। तो ये तो आपका हो गया पिछली क्लास का, ठीक है। ये मैंने होमवर्क करवाया है जो पिछली क्लास का था। अब आज अपन आज का होमवर्क करेंगे। ये तो मैंने पिछली क्लास का आपको बता दिया था, ये CW करवाया था, ये HW करवा दिया। डिवीजन वर्ग का दोहरण कार्य था, और आपका ये होमवर्क था। तो आपने शायद दूरी होने के कारण या कुछ और भी कारण हो सकते हैं तो नहीं किया होगा, तो अभी कर लेना, है ना। अब आज अपन काम करेंगे किस पे, इस पेपर पे। और अभी क्या आएगा, 8 के बाद में काउंट करो। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 किसके बाद आया, 7 के बाद में। किसके बाद में आया, 7 के बाद में। तो
तो 8 तो आ गया, अब 8 के बाद क्या आएगा ये बताना है हमको। क्या आएगा 8 के बाद? आएगा 9। क्या आएगा 8 के बाद? 9, है ना। तो 9 को भी अपन को ऐसे नीचे डंडा भी कर सकते हैं और सीधा भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये 9 की स्पेलिंग हो गई NINE। तो देखो मैंने यहाँ पे कितने लड्डू बनाए हैं, कितने लड्डू हैं काउंट करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये 9 है। तो अपन आज क्या सीखेंगे? 9 कैसे सीखेंगे? देखो पहले एक सीधी लाइन कर दी, ऊपर गोला बना दिया बस। लेकिन नीचे भी अगर आप डंडी करते हो तो भी चलेगा, और नहीं करते हो तो भी आपका गलत नहीं माना जाएगा। डंडी कर दी, गोला बना दिया, फिर नीचे डंडी कर दी, एक और डंडी कर दी, गोला बना दिया, एक नीचे डंडी कर दी, डंडी कर दी, गोला बना दिया, एक नीचे डंडी कर दी। क्या बन गया? 9। क्या बन गया? 9। क्या बन गया? 9। तो आपको भी ऐसे अच्छे अच्छे 9 लिखने पड़ेंगे अपनी नोटबुक में। बहुत ही आसान है। देखो कैसे बनाती हूँ मैं, आप ध्यान से देखो। पहले ऊपर गोला लाइन खींच के फिर नीचे लाइन खींचनी है, ऐसे है ना। तो ये हो गया आज का आपका CW। और अब आज का आपका होमवर्क। तो होमवर्क भी क्या होगा आपके? 9 ही होगा। क्या होगा? क्योंकि CW जो होता है वही HW होता है। तो आपको मैं पॉइंट बना के दे रही हूँ, आपको अच्छा अच्छा काम अपनी नोटबुक में करना है। और मम्मी पापा को, भैया को, भाभी को, जो भी आपके घर में है, किसी को भी परेशान नहीं करना है। और उनके द्वारा काम भी आपकी नोटबुक में नहीं करवाना है, आपको अपना कार्य स्वयं करना है अपने आप। मम्मी को बोल देना मैं तो अपने आप ही कर लूंगा, अब मेरे को सब कुछ आ गया है। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा? 9। तो एक बार वापिस बोलो तो काउंटिंग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये आज हमने क्या पढ़ा है? 9, है ना। तो आपको ये वाला काम कहाँ पे करना है? अपनी नोटबुक में। और इसको बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, वो मैं एक बार आपको वापिस बता देती हूँ कि कैसे करना है। देखो कुछ भी नहीं है, ये एक डंडी खींच ली, ठीक है, खड़ी लाइन जिसको हम बोलते हैं। फिर उसके ऊपर ऐसे ऊपर की तरफ नीचे ऐसे गोला बना दिया, ठीक है। फिर ऐसे नीचे लाइन खींच ली, डंडी गोला लाइन, डंडी गोला लाइन, डंडी गोला लाइन। कितना इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है ना। तो आपको मैंने ये बता दिया है कैसे लिखना है। तो अब आपको अपने आप करना पड़ेगा। मम्मी पापा की सहायता, आप मौखिक सहायता ले सकते हो, बाकी लिखना तो आपको खुद को ही पड़ेगा। कहीं भी जाओगे तो आपको अपने आप करवाएंगे, इसलिए आपको यहाँ पे भी अपने आप लिखना पड़ेगा। तो आज का आपका होमवर्क क्या है? 9। तो ठीक है बच्चों, हम अगली क्लास में फिर मिलेंगे, है ना। और आप अपना काम करते रहना, और नोटबुक चेक करवाने के लिए हर मंडे और थर्सडे को पूरा स्टाफ स्कूल आता है। तो आप भी मंडे और थर्सडे को स्कूल आ सकते हो और अपना पूरा काम चेक करवा सकते हो। ठीक है बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।